साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, पुलिस थाना सिवाना की तस्वीरें दिखा रहा हूं। अब पुलिस द्वारा व्यापारी की हत्या के मामले में किया पर्दाफाश। अब पुलिस ने बताया, पुराना जमीन का विवाद को लेकर दुकान पर बैठे व्यापारी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाला आरोपी चैनाराम गिरफ्तार। बालोतरा पुलिस अधीक्षक कुंदन कवरिया ने बताया कि दिनांक 2/10/2024 को पुलिस थाना सिवाना कस्बा पादरू में दुकान पर बैठे व्यापारी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने की घटना की जानकारी पुलिस थाना सिवाना को मिली। सिवाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने अलग अलग टीमें गठन की। अलग अलग टीमों ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब बालोतरा पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी सुमेरमल पुत्र हस्तीमल जाति जैन उम्र 65 वर्ष निवासी मुतागावा वास पादरू ने एक लिखित रिपोर्ट दी थी कि मेरा भाई उसबलाल की मुख्य बाजार में पादरू में दुकान है, दुकान पर मेरा भाई बैठा था और पुराने जमीन के विवाद को लेकर आरोपी चैनाराम ने मेरे भाई पर बैठे पर कुल्हाड़ी से वार किया जिस पर हत्या हो गई। चलो अपन सब इंस्पेक्टर इमरान खान से बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। 2 अक्टूबर को कस्बा पादरू में व्यापार संघ के अध्यक्ष श्री उच्छवलाल जैन के मर्डर की सूचना मिलने पर सिवाना व अन्य थानों से जाता मौके पहुंचा। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिवाना एसपी साहब बालोतरा व सीओएम सिवाना भी मौके पर पहुंचे। डीएसटी डीसीआरबी एफएसएल की टीम मौके पहुंची। एफएसएल डीसी आरबी ने मौके का मुआयना किया, आवश्यक तथ्य जुटाए तथा अज्ञात नकाबपोश मुलजिम को पुलिस ने ट्रायल आउट किया। पुलिस द्वारा मुश्किल समय में बेहतर प्रदर्शन करते हुए कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न होने पर भी लगन से कार्य करते हुए मुलजिम चेनाराम सनो बगदाराम जाति देवासी निवासी तांडा बेरा धारणा को दस्तियाब कर गिरफ्तार किया गया है तथा मुलजिम से अनुसंधान किया जा रहा है।